आप बताइए कि आपके मोहल्ले में जो चंपल प्रथा और घूंघट प्रथा कब से चली आ रही है और क्यों चली आ रही है? सदियों से चलती आ रही है, राजा महाराजा के टाइम की बात है। जो पुराने लोग यहाँ बैठक करते थे, पंचायती करते थे, तो इस हिसाब से वो क्या जो लेडीज चंपल नहीं पहनते थे। आज हर तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, पर आज भी हमारे राजस्थान में राजसमंद जिले के डेलोरा कस्बे में महिलाओं को सामुदायिक भवन व जातिगत चबूतरा, जिसका मतलब है जहाँ पर पंचायत बैठती है, वहाँ से महिलाएं अपने चंपल हाथों में लेकर गुजरती है। मैं शंभू और ये है मेरा समुदाय। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है चंपल का ये प्रथा या फिर पुरुष भी करते हैं? सिर्फ महिला के लिए, जो शादी करके आती है वो और के उनके लिए। कि ये जो चंपल जो प्रथा है ये इसी समाज के लिए है बाकी सारे समाज के लिए? नहीं, ये तो हमारे इस कोईवाड़ा के लिए ही है। हमारे तो यहाँ है से तो हमारे यहाँ पे चलते रहेगा, चलते आया है हमारे यहाँ पे रोड पर चप्पल हाथ में लेनी। अच्छा, आप बताइए आपकी क्या राय है? देखो, जैसे पुराना रिवाज है ऐतिहासिक, तो वो तो होना ही चाहिए। जरूरत है, लोकल लिहाज से ही करते हैं परंपरा, मतलब ये अपनी इज्जत, बड़ों को इज्जत देते हैं, उसको मान मर्यादा। भारत में आज भी महिलाओं की उन्नति के लिए महिला आयोग है, पर आज भी महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पाया है। मैं चाहता हूँ कि इन घटनाओं को सामाजिक अपराध मानते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इससे समाज को एक सकारात्मक संदेश मिल पाए। मैं शंभूलाल खड्डी, राजस्थान के राजसमंद जिले के देलोड़ा गाँव से, इंडिया अनहट के लिए।